बजरंग दल के लोगों ने रांची थाने पहुंचकर लव जिहाद से जुड़े मामलों का आरोप लगाते हुए महिला को परेशान करने वाले एक युवक पर कार्यवाही करने की पुलिस प्रशासन से मांग की है। बजरंग दल के लोगों का कहना है कि एक युवक द्वारा महिला को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर महिला ने मकान भी चेंज कर दिया है। इसके बावजूद भी युवक द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है, जिसकी शिकायत रांची पुलिस थाने को महिला द्वारा की गई। इसके बावजूद कार्रवाई न होने से खफा बजरंग दल के लोगों ने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वह आंदोलन की राह पकड़ लेंगे। हमारे क्षेत्र के महिला, रांची क्षेत्र की महिला है जो लव जहाज से किसी चक्रव्यूह के अंतर्गत इसे पिछले 3 माह से बहुत ज़्यादा परेशान किया है। यहाँ तक कि इसके बच्चे को उठाने की धमकी दे दिया गया और इसे ये भी बोला कि हमारे धर्म में जुड़ने तक की ऐसी घटनाओं को बोला गया और इसके विषय में इन्होंने हमारे बजरंग दल से मदद मांगी कि आप हमारे साथ खड़े हुए। तो आज पूरे रांची के और जिले के पदाधिकारी, आज बजरंग दल के सभी कार्यकर्ता इस महिला के साथ खड़े हुए और रांची थाने में आवेदन। पूर्व में भी काफ़ी सुनने में आया कि काफ़ी शिकायत जा रही है। ये दो वहाँ पहले भी इन्होंने शिकायत की थी इस विषय को लेकर, उस समय कोई गंभीरता नहीं दिखाई। वो लड़के उसे 15 से 20 दिन शांत बैठा, उसके दोबारा उन्हें कम से कम दिन भर में 35 से 40 इंटरनेट कॉलिंग करता है और घर में आके उन्हें ऐसे खाना खाते वक्त ऐसे पर्सनल वीडियो बना लिए जिसको लेके ब्लैकमेल कर रहा है और साथ ही साथ इनके परिजनों को भी। अभी आप लोगों ने शिकायत करी है तो क्या कहना है थाने का? हम तो थाने का ने बोला कि हम इस लड़के को बुला रहे हैं, वैसे कुछ मैं सख्त कार्रवाई का ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर भी हमने बोला है कि ऐसी कार्रवाई नहीं होती, तो हम इस प्रदर्शन के आगे बढ़ाते हैं। जिला सह संयोजक राहुल गुप्ता। आज जो महिला को अपन थाने में लेके आए, कोई 2 महीने से प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है उनको, है वो अपना काम भी छोड़ चुकी है, व्यवसाय जो उनका था वो भी छोड़ चुकी है, इतना परेशान कर रहा कि उनको मकान तक अब जहाँ जहाँ रह रही हैं वहाँ मकान खाली करके अपना दूसरे जगह जा रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, पर वो पीछा करना मतलब नहीं आ रहा, मतलब पीछा कर ही रहा है और आज कॉल भी कर रहा है, परेशान कर रहा है। और इस तरह से अगर मान लो आज थाने आए हम लोग, कार्रवाई नहीं हुई तो क्या होगा महिलाओं का? अगर 1-2 महीने से कार्रवाई हो रही है, अभी किस कब होगी कार्रवाई? जब कोई घटना घट जाएगी जब कार्रवाई होगी क्या इसकी, है ना? तो इस पर हम ये चाहते हैं थाने में कम से कम भैया आप तुरंत कार्रवाई करें महिलाओं के साथ, अगर जितने प्रशासन लूज है तो आजकल पुरुषों के साथ क्या होगा? तो इस पर अपन यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, उस रिजवान खान को बुलवाया जाए, है ना? जो व्यक्ति है जिसके मामले में उनने शिकायत की है, अब बजरंग दल विश्व हिंदू प्रसाद उसके साथ में खड़ा हुआ है। आज अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और इससे हाँ, और इस पर अपन चाहते हैं कि जब प्रशासन थाना जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करे। कौन है ये रिजवान खान और कहाँ का रहने वाला? जे आधारताल का पता चल रहा है कि आधारताल का रहने वाला है, है वो अलग अलग नंबरों से फर्जी कॉल कर रहा है, फर्जी नंबर से सिम चेंज कर देता नंबर करने वाला, उसकी कोई लोकेशन नहीं मिल रही है, प्रशासन बोल रहा है जानकारी कर रहे हैं, 2 महीने से जानकारी चल रही है, अभी तक किसी कार्रवाई नहीं हुई है, अभी हम लोग मतलब उससे संतुष्ट नहीं है कार्रवाई से इनकी। हम चाहते हैं जल्द से जल्द उसको उठाया जाए ताकि कल के लिए कोई ऐसी घटना ना घटे, उससे पहले इस पर कार्रवाई हो। अभी आप लोगों ने शिकायत दी है तो क्या कहना है थाने की तरफ? अभी थाना जो अभी ड्यूटी पे मतलब ये इंस्पेक्टर जो मौजूद मिले हैं उनने ज्ञापन लिया है और महिला पुलिस भी हैं, उनने भी बोला गया है कि हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो अपन रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, महिलाएं बैठी है, थाने बैठी हैं और इस पर कार्रवाई के हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।